यू गाइस हैव एनी सिबलिंग्स एट होम जिनके ए लेवल्स के रिजल्ट आए हो? आपके कोई बड़े बहन भाई हैं या कजन्स जिनका ए लेवल का रिजल्ट आया हो आज? एनी फ्रेंड्स यू हैव जो कि ए लेवल्स में थे? एनीवन? नो तो सर, नो आपका सर, अच्छा, सो एज यू माइट नो आज ए लेवल्स का रिजल्ट आया था और रिजल्ट्स जो है वो इस बार डेफिनेटली डेफिनेटली आराम से कहा जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले में, पिछले 2 सालों के मुकाबले में काफ़ी नीचे हैं रिजल्ट्स। और उसकी रीज़न बहुत बड़ी सिंपल सी है। 2 साल पहले तो आई थिंक आपको सबको पता है कि सबको एक्सपेक्टेड एविडेंस बेस्ड ग्रेड्स मिले थे। शायद आप लोगों को उस टाइम ना पता हो क्योंकि आप लोग तो उस टाइम इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो टीचर्स ने ग्रेड्स दिए थे बिकॉज ऑफ कोविड, देयर वर नो एग्जाम्स। एंड देन लास्ट टाइम अराउंड ओ लेवल्स के लिए तो खैर बहुत ही मजे हो गए थे, उनको सिर्फ एमसीक्यूज का पेपर देना पड़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और मैथ्स का सिर्फ पेपर 2 देना पड़ा था आई थिंक, या सिर्फ पेपर 1 देना पड़ा था। इसी तरह सारे पेपर्स की कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिल गई थी, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था लास्ट ईयर। लेकिन इस साल इट वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट नीचे जाएगा, और ए लेवल में तो ये चीज़ काफ़ी नज़र आई है कि रिजल्ट जो है वो नीचे था, काफ़ी बच्चों के ग्रेड्स जो है वो मिक्स्ड से हैं। सो आई हैड स्टूडेंट्स हु हैड एज एंड ए स्टार्स एज वेल, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सी और डी भी आए हैं ए लेवल्स में। एनी वेज, आप लोगों के तो पाक स्टडीज इस्लामिक और उर्दू का आई गेस आएगा ना रिजल्ट अभी? मेजोरिटी स्टूडेंट्स सर के मेरे कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, कौन कौन से? सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। सही, आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी दे रही हैं, तो अब तुम्हारे रह क्या गए? इस साल कितने सब्जेक्ट्स दे रही हो आप? सारे साइंसेस सर हैं? मैं साइंसेस भी ले रही हूँ, थोड़ा बिजनेस भी ले रही हूँ, मैं 6 सब्जेक्ट लूंगी अब, तो आप टोटल में कितने सब्जेक्ट्स दे रही हैं? 12 तो इतने सारे सब्जेक्ट्स देने का मकसद क्या है? सर। मेरी फील्ड बिल्कुल क्लियर नहीं है तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ ताकि पता चल जाए सब्जेक्ट कौन सी इसका, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं ऐसे ही ले रही हूँ। बाकी मेरा सीएस और फिजिक्स है, मेरा सीएस है और मेरा बिजनेस स्टडीज है। मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर लिया है, सोशियोलॉजी लिया है और आई थिंक बायो भी एक्स्ट्रा है। सही, चलो हो सकता है साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, चलो अच्छी बात है। आप लोगों का रिजल्ट जो है वो मेरे ख्याल से 18th को आएगा, सो उस दिन देखते हैं क्या सीन बनता है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। बट एनी वेज, वेयर वर वी? हमने मोशन का चैप्टर जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था, और फिर हमने उसकी वर्कशीट की थी। ये वाली कहाँ चली गई वो वर्कशीट? अच्छा, अभी वर्कशीट ओपन नहीं है, बट हमने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट, ऑलमोस्ट क्या, सारी ही कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और बातें यहाँ पे करते हैं। सॉरी, इस चैप्टर को तो बंद करो। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना है फोर्सेस वाला, डायनामिक्स वाला, ठीक है? हम थोड़ी थोड़ी स्पीड भी पिकअप करेंगे। सो इन दिस टॉपिक, इस चैप्टर को हम फोर्सेस कह रहे थे, बट इट्स ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक्स। और या दैट्स अबाउट इट, सो लेट्स जस्ट राइट डाउन द हेडिंग एंड देन स्टार्ट राइट अवे। सो द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज कॉल्ड फोर्सेस। चलो आओ स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। देखो, फोर्सेस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि आप फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सीखें। सबसे पहला काम क्या है? फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सीखें कि एक ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। सो सम कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो हम पहली हेडिंग क्या डालेंगे? आइडेंटिफाइंग फोर्सेस। आइडेंटिफाइंग फोर्सेस, ओके। सो देर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई
एंड ड्रॉ बेस्ड ऑन द सिचुएशन. तो आपको कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है, कॉमन सी होगी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन नहीं होगी, और उसके अंदर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार इस चीज पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है. सही है. सो द फर्स्ट अमंग देम द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज वेट. वेट बहुत कॉमन है, इसमें से कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट या स्टार, जहां भी आप खड़े हो, मून, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अब वेट की डायरेक्शन आई थिंक सबको पता है, वेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जी? वेट की डायरेक्शन बताओ बच्चों, सो तो नहीं गए? चैट में जवाब तो नहीं आ रहा? चैट में भी जवाब नहीं आया. अच्छा फातिमा, आप बता सकती हो वेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो हम पढ़ चुके हैं मास वेट डेंसिटी वाले चैप्टर में, वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए. एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ, उसकी वेट की डायरेक्शन क्या ड्रॉ करोगे? डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स एज इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसके बाद इसका फॉर्मूला भी है. नॉट एवरी फोर्स विल हैव अ फॉर्मूला, बट हैज अ फॉर्मूला W इक्वल्स mg, which you can easily recognize. और आपको पता है कि इसमें g की वैल्यू क्या लेनी है आपने? अर्थ पे g की वैल्यू क्या लेनी है, और g का मतलब क्या था? सोया, जी का मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसका इसकी वैल्यू होती थी 9.8 न्यूटन पर केजी ऑन अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बट इट कैन वेरी फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट और फ्रॉम मून और डिफरेंट स्टार्स, हर जगह पे डिफरेंट होती है. और कोई बात? आई डोंट थिंक सो. बस यही है इसके बारे में, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं. अब इसका डायग्राम अगर बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी बनी हुई, इस पर वेट की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा सपोज करो मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, एक टेबल रखा हुआ है, और मैं कहता हूँ यार इस पर वेट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी इस टेबल पर? बल्कि इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दी. अब मैं कहता हूँ बुक का वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? तो आप बोलोगे यार वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अच्छा एक और स्लोप है, इस तरह का एक टेबल है, उस पर इंक्लाइंड स्लोप है, और वही बुक अब यहाँ पे उसके ऊपर रखी हुई है, इस पे वेट की फोर्स कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक आती है, बहुत कॉमन है, और उसमें सब लोग जो है ना वो जवाब दे रहे होते हैं जी सर कि बुक अब टेढ़ी हो गई तो उसका वेट जो है वो ऐसे बन जाएगा. ये मैंने बहुत देखा है. रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. वेट चाहे बुक उल्टी पड़ी हो, सीधी पड़ी हो, जैसे मर्जी पड़ी हो, वेट उसका ऐसे ही बनेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही बनेगा, नो मैटर व्हाट. इज दैट क्लियर? होपफुली ये कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग बात नहीं है. अच्छा वेट के अलावा और कौन सी फोर्सेस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए? एक और बहुत ही कॉमन फोर्स है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, या इसका एक और नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स. अब ये वाली जो फोर्स है, ये ऐसी फोर्स है, इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज
आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही है, तो ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ दैट टच, दैट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, दे आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ईच अदर. एक्ट्स ऑन टू बॉडीज दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. इसकी डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? अब इसकी मैं डायरेक्शन पहले लिख देता हूँ, लेकिन फिर इसको समझाने के लिए मुझे ऑब्वियसली एग्जाम्पल ही देनी पड़ेगी. इसको इसके लिखने का तरीका तो ये है, 90 डिग्रीज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जर्टिंग द फोर्स. इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. अब इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. एक एग्जाम्पल है कि वही टेबल मैं दोबारा से बना देता हूँ बेटा, ठीक है. ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, अब हो ये रहा है कि टेबल जो है वो बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, टेबल बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है क्योंकि फ्लैट टेबल है तो वो अपवर्ड्स उस पर फोर्स लगा रहा है. अब नोटिस करो कि टेबल का सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो उससे 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है अपवर्ड्स, लेकिन बिल्कुल इसी तरह बुक भी टेबल पे फोर्स लगा रही है. तो मैं ये एन बी कह सकता हूं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल ऑन द बुक. ये बुक पे फोर्स लग रही है तो इसको मैं एन बी बोल देता हूँ, और बुक भी टेबल पे उसी तरह की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, और ये हो जाएगी एन टी कह देते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुक ऑन द टेबल. ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बुक इज एन बी एक्सर्टेड बाय द टेबल, एंड देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द बुक एक्सर्टेड बाय द बुक ऑन द टेबल. अब इसी तरह जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल दी पिछले वाले फोर्स के केस में, इस तरह यहाँ पे भी मैं एक इंक्लाइंड स्लोप बनाता हूँ. तो ये एक स्लोप बना हुआ है, एक इंक्लाइंड स्लोप है, उसके ऊपर एक बुक रखी है. राइट, अब ये जो स्लोप है ये इस बुक पे फोर्स कैसी लगाएगा? देखो जो स्लोप का सरफेस है वो ऐसे है, तो इससे 90 डिग्री कैसे बनता है? इस डायरेक्शन में 90 डिग्रीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सर्टिंग द फोर्स. तो बुक पे फोर्स लगा कौन रहा है? स्लोप. तो नॉर्मल एक्शन फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्लोप होगी और 90 डिग्रीज टू द स्लोप होगी, और इसी तरह बुक भी स्लोप पे ऐसे फोर्स लगाएगा. तो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी दोनों फोर्सेस, लेकिन इस पे बारे में बात करेंगे कि इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों होती है. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं. एक आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये दीवार है, एक कमरा है जिसकी ये दीवार है और ये उस कमरे की जमीन है. So this is the ground. या floor कह लेते हैं. This is the floor. And this is the wall. ठीक है. अब ये floor और wall है, और यहां पे क्या हुआ कि एक ladder है which is resting like this on the wall. एंड द फ्लोर ऐसे होता है ना, सीढ़ी कितनी दफा रखी हुई होती है आपके घर में, जगह जगह आपने देखा होगा इस तरह सीढ़ी रखी हुई होती है जो जमीन पे पड़ी हुई होता है उसका फुट और वॉल के साथ, इट इज रेस्टिंग अगेंस्ट द राइट. सो व्हाट हैपेंस देन? अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लग रही होगी इस जगह पे लैडर के ऊपर? अच्छा इसको मैं लिख तो दूं कि ये लैडर है. अब लैडर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
वॉल कैसे लगा रही होगी, वॉल अवे फ्रॉम इट्स ओन सरफेस, ऐसे 90 डिग्री की फोर्स लगा रही होगी। और फ्लोर कैसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, ऐसी अवे फ्रॉम इट्स ओन सरफेस और 90 डिग्री की फोर्स लगा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो ज्यादातर तुम देखो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को या रिएक्शन फोर्स को मैं एन से शो करता हूँ, ठीक है? वैसे तो आपकी मर्जी, आप तो जिस मर्जी लेटर से शो करो आपके ऊपर है, बट हम इट वुड बी बेटर इफ यू यूज द सेम यू नो ट्रेडिशनल सिंबल्स ताकि यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स टू ईच अदर क्वाइट इजी। उसके बाद एक और फोर्स बहुत कॉमन है विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तीसरी फोर्स का भी आपने नाम यकीनन पहले से सुना हुआ है, और इस फोर्स को क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन वो फोर्स है जो उन बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करती है जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रही हो या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करने वाली हो या स्लाइड करने की कोशिश कर रही हो। सो फोर्स बिटवीन बॉडीज दैट आर स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर और टेंड टू स्लाइड पास्ट वन अनदर। टेंड टू स्लाइड का मतलब है कि होने वाली है स्लाइड, अभी हो ही नहीं है, ठीक है? अब बात सारी यहां पर आती है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है आपके पास। ऐसी सिचुएशंस तो बेताश हैं, ऐसी तो बेतहाशा सिचुएशंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल आप ले लें कि यार एक सीधी सी बात है, आपके पास फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर एंड देयर इज अ बॉक्स, राइट? और बॉक्स को कोई इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अब जब भी मैं एरो वी दिखाऊंगा तो वी का मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है? तो बॉक्स को इस डायरेक्शन में कोई पुश कर रहा है, तो बॉक्स इज स्लाइडिंग अगेंस्ट द फ्लोर। तो कैन आई आस्क व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स? फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स क्या हो जाएगी, अलोंग द फ्लोर होगी, अलोंग द फ्लोर होगी और ये उसकी डायरेक्शन होगी। आई होप दैट्स क्लियर। इस तरह जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी किस पे, मेरे बॉक्स के ऊपर। और अगर मैं कहूं कि फ्लोर पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, फ्लोर पे, तो ऑन द फ्लोर बॉक्स, बॉक्स पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो यू लग रही है बिकॉज द बॉक्स वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बट फ्लोर पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी जो यू लग रही होगी, बट फ्लोर ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू मूव। तो हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूजली देख रहे होते हैं जो फिर मूव कर रहे होते हैं फ्लोर के ऊपर। एनीवेज, सो वी शुड डिस्क्राइब किसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए नोट्स में कि इसकी डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो वी आर गोइंग टू से इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एक्स ऑपोजिट टू मोशन, क्या ऑपोजिट टू मोशन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगी, या जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है? तो इसकी एक और एग्जांपल ये हो जाएगी, एंड पैरेलल टू द सरफेस एज वेल, बाय द वे, एंड ये पैरेलल टू द सरफेस है। एज यू कैन सी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन यू नहीं थी, या यू नहीं थी, या यू नहीं थी, इट इज अलोंग द सर्फेस। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक स्लोप है, इंक्लाइंड स्लोप है, और इस पर यह बॉक्स रखा हुआ है, एंड द बॉक्स इज अबाउट टू स्लाइड डाउन। आई एम नॉट सेइंग दैट द बॉक्स इज स्लाइडिंग, बट आई एम गोइंग टू से द बॉक्स अबाउट टू स्लाइड डाउन। तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज द बॉक्स इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलोंग द सरफेस अप द स्लोप होगी। हाउ वुड यू से इट इन प्लेन इंग्लिश,
अप द स्लोप, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज अप द स्लोप बिकॉज द बॉक्स इज अबाउट टू मूव डाउन द स्लोप. ऑलराइट. अच्छा एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जिसको थोड़ा सा ना लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं माइक्रो लेवल पे. अगर आपकी एक गाड़ी बनी हुई हो ना, सपोज करो एक छोटी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर एक रोड बनी हुई है और इस पर एक गाड़ी बनी हुई है और गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, आपसे पूछो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या, आप बोल देना ऐसे, कोई मसले की बात नहीं. लेकिन अगर ऐसे रोड बनी हुई है और उसका टायर यूं बना हुआ है, गाड़ी का रोड पे टायर दिखा रहे हैं आपको जूम इन करके, अब टायर आपको बता रहे हैं कि बेटा रोड पे टायर यूं घूम रहा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बनानी, तो उसको फिर समझ लो, उसको समझ लो. ठीक है. सो सपोज करो ये आपकी रोड है, ठीक है, और इसमें मैं व्हील बना देता हूं. तो ये मेरा व्हील हो गया. अब इसको मैं कह देता हूं ये व्हील है किसी चीज का, और जो चीज गाड़ी होगी ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो हम इसका ऐसे करके पूरा बाकी का फ्रेम थोड़ा सा दिखा, ठीक है. अब ये जो चीज है ये मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, व्हाटएवर दिस इज, तो ये कार है आप, द कार इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. बट इफ द कार इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन देन ऑब्वियसली बात है कि व्हील कैसे रोटेट करेगा, व्हील यू रोटेट कर रहा होगा, कार आगे की तरफ जा रही तो व्हील ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो पूछ लो. अब अगर व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, खुद ही इमेजिन करो गाड़ी को मूव करते हुए, तो जरा नोटिस करो कि व्हील ग्राउंड को किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. व्हील का जो ये वाला पार्ट है, व्हील का जो ये नीचे वाला पार्ट है, इट इज ट्राइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन. बट रोड के साथ क्या चीज आती है, एक वर्ड हम यूज करते हैं ट्रैक्शन. रोड के साथ जो ट्रैक्शन आती है, जो टायर की ग्रिप होती है, वो रोड के साथ उसकी ट्रैक्शन होती है, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं. सो ये जो ट्रैक्शन होती है, मतलब हमारा जो व्हील है वो घूमते हुए फ्लोर के ऊपर या रोड के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, एंड इन द रिएक्शन टू दैट द रोड देन पुशेस द टायर फॉरवर्ड, और इसकी वजह से गाड़ी आगे मूव करती है. लेट मी रिपीट, टायर इज ट्राइंग टू गो दिस वे, सो टायर रोड पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यू. मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ आर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द व्हील ऑन द रोड. बट देन व्हाट इज द रोड गोइंग टू डू, द रोड इज गोइंग टू पुश द व्हील फॉरवर्ड. सो व्हाट हैपेंस, the wheel is then pushed forward by the road, ऐसे करके. और इस पर हम क्या लिख देंगे, एफ डब्ल्यू, जिसकी वजह से फिर पूरी गाड़ी आगे मूव करती है. अगर कोई रोड हो, अब मैं तुम्हें इसकी एग्जाम्पल देता हूं कि जिस रोड पे फ्रिक्शन नहीं होती वहां पे क्या होता है. अगर आपके पास एक रोड है जहां पे ऑयल स्पिल हो गया, यहां रोड पे सारा का सारा ऑयल स्पिल हो गया, तो जब आप गाड़ी का व्हील घुमाएंगे तो क्या होगा, वो व्हील यहां से स्लिप करता रहेगा, या इन अदर वर्ड्स आपने ये वर्ड सुना होगा, स्किड करता रहेगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं मूव करेगी. टायर घूमता रहेगा लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाएगी, बिकॉज रोड के साथ कोई ट्रैक्शन नहीं आ रही. ट्रैक्शन एज इन वो रोड की जो टायर की जो ग्रिप है वो रोड की ग्रिप को पकड़ नहीं रही. व्ही का मतलब होता है वेलोसिटी, V always means velocity. मैंने यही बताया था शुरू में कि जब भी मैं V लिखूं समझ लो कि मैं movement की direction बता रहा हूँ हर example के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने वो पहले orally बता दिया. Is that clear then? So और examples देते हैं forces की जो बहुत important है. एक और force जो बहुत important है जिसको हमें समझना है वो है हमारे पास drag force, जिसे हम air resistance भी कहते हैं. Drag slash air resistance. अच्छा इससे पहले फ्रिक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं. फ्रिक्शन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन
जब मोशन को अपोज करती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, या ये कह सकते हैं कन्वर्ट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ये बात याद रखना. और इसकी वजह से ऑब्वियसली एफिशिएंसी में कमी आती है चीजों की. बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन जरूरी भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है. इफ यू रब योर हैंड्स टुगेदर तो दोनों हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन होगी बहुत सारी. इफ यू कीप रबिंग योर हैंड्स टुगेदर तो वो वार्म हो जाते हैं थोड़ी देर बाद. क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन इज कन्वर्टिंग दैट काइनेटिक एनर्जी विच यू विल स्टडी अबाउट लेटर. बट फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है. सो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, याद रखो. लेकिन ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. इस केस में हीट प्रोड्यूस होगी, इस केस में हीट प्रोड्यूस होगी, इस केस में हीट प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि बॉक्स इज अबाउट टू स्लाइड डाउन बट इट्स नॉट एक्चुअली स्लाइडिंग डाउन. ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस. सो ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस भी एक टाइप की फ्रिक्शन ही है. It's a type of frictional force. ये भी frictional force की category में ही आते हैं. Okay? So they also produce heat when ड्यूरिंग मोशन. बस ये लिख देते हैं ड्यूरिंग मोशन. दे ऑल्सो अपोज मोशन. और इसके बारे में अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. अब फ्लूइड्स में याद रखना गैस एंड लिक्विड दोनों आती है, ठीक है. दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन बॉडीज. तो ये जो ड्रैग है, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, ये फ्लूइड्स लगाते हैं, लिक्विड्स हो गए या गैसेस हो गए, ऑन बॉडीज दैट आर मूविंग. अब ये मूविंग का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव होना इसके लिए जरूरी है. थ्रू द फ्लूइड, जो भी चीज फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, जैसे आप पानी में स्विमिंग कर रहे हैं या फिश पानी में स्विमिंग कर रही है, वॉटर इज अ फ्लूइड. सो वॉटर इज गोइंग टू एक्सर्ट अ ड्रैग फोर्स ऑन द फिश, ठीक है. इसके अलावा अ बुलेट इज ट्रेवलिंग थ्रू द एयर, एयर इज अ गैस. So as that bullet is moving forward, the air around the bullet exerts a drag force, or you can call it air resistance, on the bullet. A ball is falling from the roof of a building. A ball is falling through the air. So what happens? Through the air, the ball is falling, and therefore what is happening? Air is exerting an air resistance force, or drag force, on the ball. Ab iski direction kya hoti hai? Opposite to motion. This force also opposes motion. तो इसकी examples हम कैसे करेंगे? आओ देखो. तो समझ लो कि आपके पास एक object है falling through the air. क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? Object falling through air. तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में ऐसे या वेलोसिटी ऐसे डाउनवर्ड्स बना सकता हूँ कि ये डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है. ये एरो मैंने क्यों बनाया? वी, उसका वेलोसिटी शो करने के लिए कि किस डायरेक्शन में गिर रहा है. तो नीचे की तरफ गिर रहा है. अब समझना ये है कि अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पे फोर्स
जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है या जो ड्रैग फोर्स है वो उस पर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. अब इसको मैं यूजली आई लाइक टू शो इट विद द वैल्यू आर. तो इस पे आर की वैल्यू, आर का मैंने फोर्स बना के दिखा दी अपवर्ड्स. द बॉल वॉज मूविंग डाउनवर्ड्स सो द एयर इज एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग अपवर्ड्स. अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. बुलेट फ्लाइंग थ्रू द एयर. अब देखो बुलेट की एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो बुलेट जरूरी तो नहीं है कि इस डायरेक्शन में ही जा रही है. बुलेट तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है. तो जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट क्लियरली आई विल ड्रॉ द बुलेट लाइक दिस. ठीक है, अब बुलेट जा रही है यूं. बुलेट कैसे जा रही है? यूं जा रही है. तो बुलेट पे जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होगी वो कैसे एक्ट कर रही होगी? बिल्कुल ऑपोजिट टू इट्स मोशन. एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बुलेट लाइक दिस. अब इसी तरह समझ लो कि एक आपके पास बॉल है. बॉल and it is falling through water. पानी के अंदर जो है वो बॉल गिर रही है. तो ये आपके पास कंटेनर है. इसके अंदर पानी है, इसके अंदर ये बॉल है जिसको किसी ने ड्रॉप किया था. द बॉल इज हैवियर देन वाटर, मोर डेंस देन वाटर, देयरफॉर द बॉल इज फॉलिंग डाउन. जब बॉल नीचे गिर रही है तो मुझे तो दिखाना है कि बॉल की वेलोसिटी ऐसे है डाउनवर्ड्स. अब अगर बॉल नीचे गिर रही है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा अब मैं, बिकॉज इट्स नॉट एयर. सो आई जस्ट कॉल इट ड्रैग फोर्स. बट आई स्टिल ड्रॉ विद द एरो आर. जो फोर्स का जनरल नाम है वो ड्रैग है, लेकिन जब स्पेशली एयर रेजिस्टेंस होती है तो उसे, हाँ इस बारे में बात करते हैं. जोया बिल्कुल सही कह रही हो कि अमाउंट इज डिफरेंट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट. इसको भी सीखते हैं. तो आर की वैल्यू यूं होगी. अब ये जो आपने क्वेश्चन है, अच्छा हुआ है आपने बता दिया, क्योंकि मैं एक चीज बिल्कुल भूलने वाला था बताने के लिए कि ये जो फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स एंड वी नीड टू रिमेंबर दोज फैक्टर्स. तो फैक्टर्स क्या है इस बात को समझ लेते हैं. दिस टाइप ऑफ फोर्स यहां पे लिख लेते हैं. यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस टाइप ऑफ फोर्स इंक्रीजेस विद. तीन बातें, तीन चीजें इस फोर्स को अफेक्ट कर सकती हैं. नंबर वन, स्पीड. जितनी ज्यादा स्पीड से कोई चीज मूव कर रही होगी उसके ऊपर उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स लग रही होगी. द फास्टर द बुलेट इज गोइंग द मोर एयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट. द फास्टर द स्टोन इज फॉलिंग द मोर एयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट. द फास्टर समथिंग इज फ्लोटिंग अप और डाउन और वट एवर सिंकिंग डाउन उस पर उतनी ही ज्यादा लगेगी. दूसरी चीज है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, ड्रैग फोर्स जो है वो सरफेस एरिया के साथ साथ बढ़ती है. जितना ज्यादा किसी चीज का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी. तो इसलिए गाड़ियां जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, स्पोर्ट्स कार बहुत तेज मूव कर रही थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करती है. लेकिन उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन किया जाता है, या आप लोगों ने साइंस में पहले पढ़ी होगी बात, चीजों को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर कम से कम ड्रैग फोर्स एक्ट करे, कम से कम एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे. फिश है फिश. व्हेन द फिश इज स्विमिंग थ्रू वाटर तो वाटर बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई करता है. कभी आपने स्विमिंग पूल में चलने की कोशिश की है? नॉर्मल अगर वॉक कर रहे हो और पानी के अंदर थोड़ा सा भी पानी, इवन इफ द वॉटर इज अप टू योर नीज ओनली एंड यू आर ट्राइंग टू वॉक इन दैट वॉटर, तो कितने ज्यादा रेजिस्टेंस फील होती है. दैट इज द ड्रैग फोर्स ऑफ द वॉटर, राइट. तो फिश जो है उसने तो सारी जिंदगी पानी में गुजारनी है, उसे स्विम करना है उसके अंदर. सो इट नीड्स टू हैव दिस वेरी स्लिम एंड स्ट्रीम लाइंड बॉडी सो दैट उस पर ड्रैग फोर्स कम से कम एक्ट करे. बुलेट भी इसीलिए उसकी शेप जो है वो इतनी ज्यादा स्लेंडर होती है, आगे से वो पॉइंटेड होती है, पीछे से पतली सी होती है, एक स्ट्रीम लाइन शेप बनाते हैं ताकि
एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो, लेकिन पैराशूट का सरफेस एरिया इतना ज्यादा क्यों होता है? जब एक बंदा बहुत ऊपर से जंप करता है तो उसका पैराशूट का सरफेस एरिया इतना ज्यादा क्यों होता है? सरफेस एरिया ज्यादा इसलिए होता है ताकि जब आप पैराशूट ओपन करें तो एकदम से बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स एयर रेजिस्टेंस एक्ट करें, सो इट विल हेल्प यू स्लो डाउन बिकॉज यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स, अ बिग एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स विल हेल्प यू स्लो डाउन। क्लियर हुई बात? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। और एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब दिस इज नो सीक्रेट, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू, दिस इज समथिंग नॉट न्यू टू यू, कि डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड्स की गैसेस से ज्यादा होती है। इस बात में तो बोलने में कोई वो नहीं है, सब मसला की बात ही नहीं है, सबको प्रॉब्लम बात इजीली समझ में आती है। पानी जो है, पानी उसकी डेंसिटी एयर से तो ज्यादा ही है, तो पानी की जो ड्रैग फोर्स है वो कहीं ज्यादा होती है एयर से। सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल चल रहे हो, बाहर वॉक कर रहे हो, द एयर इज ट्राइंग टू स्टॉप यू, आप भाग रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, एयर जो है वो आपके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगा रही है, ड्रैग फोर्स लगा रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर वही काम आप पानी में करोगे आपको उससे कहीं ज्यादा एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फील होगा। अच्छा आप इमेजिन करो, ये जो बॉल मैंने ड्रॉप की है ये वाटर के अंदर ड्रॉप की है, ये वाटर है, बट इमेजिन कि वाटर के बजाय मैं हनी ले आऊं। अब हनी और ज्यादा थिक लिक्विड होता है और ज्यादा डेंस लिक्विड है, हनी के अंदर ये बॉल के जो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हनी इज अ थिक लिक्विड, सो एनीथिंग दैट विल फॉल थ्रू इट विल एक्सपीरियंस मोर ड्रैग फोर्स। क्लियर होगी बात? Make sense? और कौन सी फोर्सेस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए? एक और फोर्स है जिसका नाम है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसी फोर्स है? फोर्स This force is exerted by fluids, again, जिसमें gas and liquid दोनों शामिल हैं। This force is exerted by fluids on objects that are immersed in them. अब इस वाली फोर्स में और ड्रैग फोर्स में क्या फर्क है? मैंने वहां लिखा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ड्रैग फोर्स एक्ट करती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उस पर ये आर वाली फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इफ द स्टोन इज नॉट मूविंग इट्स इन योर हैंड तो इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये बुलेट मूव नहीं कर रही तो इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये बॉल नीचे नहीं गिर रही तो इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगा। लेकिन अपथ्रस्ट इज डिफरेंट, अपथ्रस्ट विल एक्ट, मोशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मोशन और नो मोशन डज नॉट मैटर, मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपथ्रस्ट ने एक्ट करना ही करना है। इसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन एयर रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है? एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग जो है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती थी कि आपका मोशन डाउनवर्ड्स है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स है, आपका मोशन इस डायरेक्शन में है तो एयर रेजिस्टेंस उसका उल्टा है, तो हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन होता था। लेकिन अपथ्रस्ट के साथ ऐसा नहीं है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड्स है। जैसे वेट हमेशा डाउनवर्ड्स होता है ना, इस तरह अपथ्रस्ट हमेशा अपवर्ड्स ही होगा, चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, सो मोर डेंस फ्लूइड्स, मोर डेंस फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स ज्यादा डेंस होते हैं वो ज्यादा अपथ्रस्ट लगाते हैं। जैसे हनी है, उसकी अपथ्रस्ट की फोर्स वाटर से ज्यादा होगी क्लियरली, क्योंकि वो ज्यादा डेंस लिक्विड है। सो मोर डेंस फ्लूइड will exert a bigger upthrust. तब इसमें कहानी, इसके अंदर क्या एग्जाम्पल है? कुछ भी पानी के अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर कोई भी चीज फ्लोट कर रही है
राइट, तो उसके ऊपर आप थ्रस्ट एक्ट करेगा, ये वुड है, इस पर थ्रस्ट की फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं। अब देखो अब थ्रस्ट जो है वो एयर भी लगाती, गैसेस भी लगाती है, लेकिन गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है ना, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसका मतलब है कि गैसेस की डेंसिटी जब बहुत कम होती है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो बहुत ही कम अप थ्रस्ट की फोर्स लगाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार देखो जो गैसेस होती है ना, यहाँ पे बात कर लेते हैं गैसेस, अब इसमें एक एग्जांपल तो आपकी एयर की एग्जांपल है, एयर हैव अ वेरी लो डेंसिटी, सो उनकी जो अपथ्रस्ट की फोर्स है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, ये बात ध्यान में रखना, होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है, इग्नोर की जा सकती है। एयर के केस में अपथ्रस्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन लिक्विड्स के केस में अपथ्रस्ट को आप इग्नोर नहीं करते, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, इसमें और कोई खास एक्सप्लेन नहीं करना, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट चीज, प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट वन, राइट, 1 2 3 4 5 यस 6, वैसे फोर्सेस तो और बहुत तरह की होती है, लेकिन बेसिकली हमें जो है ना कुछ कॉमन टाइप्स को समझना है ताकि हम उनको ड्रॉ कर सकें। टेंशन की फोर्स, अब टेंशन की फोर्स क्या होती है, दिस इज एक्सर्टेड बाय रोप्स, स्ट्रिंग्स, रॉड्स एक्सेट्रा that are being stretched, ठीक है, direction, इसकी direction को समझना बहुत आसान है, always pulls on the object, tension की force हमेशा खींचती है, always pulls on the object that is attached, to the rope slash rod slash string. अब एक इसकी कॉमन एग्जाम्पल देखो, ये आपका आपकी सीलिंग है, आपकी क्या हो गई सीलिंग, और सीलिंग से आपकी यहां पे रॉड हैंग हुई है, ये रॉड है, सही है, और रॉड के साथ क्या हैंग हुआ हुआ है, पंखा कैसे बनाओ यार, एक मिनट रुको, How would I draw a fan? ये ड्रॉइंग है ना बड़ी बेकार है, चलो ज्यादा परों वाला पंखा बना लेते हैं, फैन, अब आपका फैन, अच्छा चलो लैम्प बना लेते हैं, काम आसान करते हैं ना, तो ऐसी चीज बना लेते हैं ना जो आसानी से बना सके। सो आपका समझ लो यहाँ से, I don't know, some lamp is hanging from the ceiling. अब मुझे बताओ कि लैम्प के ऊपर टेंशन फोर्स रॉड किस डायरेक्शन में लगा रही है, बड़ी सिंपल सी बात है, लैम्प के ऊपर आप अगर टेंशन फोर्स की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही रॉड सीलिंग को किस डायरेक्शन में खींच रही है, तो यही रॉड सीलिंग को डाउनवर्ड्स खींच रही होती। अब मैं यहाँ पे दोनों नहीं बना रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन यही रॉड सीलिंग को डाउनवर्ड्स पुल कर रही है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लैम्प, लेकिन यही रॉड लैम्प को ऊपर की तरफ पकड़ के रखी हुई है, राइट, ऐसा ही है, तो ये सिचुएशन है।
इसी तरह समझ लो आपके पास एक वॉल है, समझ लो आपके पास एक वॉल है, अब इस वॉल के साथ यहाँ पे फ्लोर है, राइट, एंड देयर इज अ हुक, एंड देयर इज अ हुक, ये हुक है, और इसके अंदर ऐसे करके एक रोप टाई हुई भी है, ऐसे रोप टाई करके आपको मैंने यहां खड़ा कर दिया। यार इसको पकड़ के खींचो, सो यार पुलिंग ऑन द रोप, तो आप रोप को पुल कर रहे हो, लेकिन रोप आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? रोप आपको इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, आपको फील हो रहा होगा कि रोप आपको इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, और यही रोप अगर मैं पूछूं कि हुक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हुक जो है वो फोर्स फील कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो इट बेसिकली जस्ट पुल्स ऑन एवरीथिंग, ठीक है, व्हाट एवर इज एट द अदर एंड ऑफ इट उसको पुल पुल फील हो रहा होगा अपने, क्या कहते हैं, रॉड का या रोप का या स्ट्रिंग का, व्हाट एवर इट इज, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिनको हमें आइडेंटिफाई करना सीखना था, और आज का लेक्चर इसी बारे में था। अब हम अगली क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीखेंगे और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस सीखेंगे। तो किसी भी सिचुएशन में आप देखो, आपने 6 कॉमन टाइप की फोर्सेस बनाना सीख ली, आइडेंटिफाई करना सीख ली किस सिचुएशन में होती है। अब मैं कोई भी आपको एक रैंडम सिचुएशन दे दूं, उसमें सिर्फ इस वक्त एक वक्त में एक फोर्स थोड़ी एक्ट कर रही होगी, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक गाड़ी चल रही है, उस पर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही है, यू शुड बी एबल टू टेल मी कि उस पर कौन सी 4 फोर्सेज हैं जो एक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो कॉमन जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम देखेंगे, साथ साथ हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेज के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। सो आई विल सी यू टुमारो, आज की क्लास में थोड़ी सी शॉर्ट कर रहा हूँ, फातिमा की नेक्स्ट क्लास है, और फिर जो है अभी वैसे ही थोड़ा सा जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, फोर्सेज वाला टॉपिक थोड़ा सा आराम से लेके चलेंगे, उसके बाद हम स्पीड अपनी बढ़ा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चों, ऑफिस।